नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। चांदन रेलवे स्टेशन के बगल में एक कुएं से सोमवार सुबह एक बुजुर्ग की लाश पानी में तैरते हुए बरामद किया गया है। इसकी जानकारी थाने को दिया गया। पुलिस के पहुंचने के पूर्व बड़ी संख्या में आम ग्रामीण भी वहां जमा हो गए। काफी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकालकर थाना लाया गया। फिर उसकी पहचान झारखंड के देवपुरा निवासी महेश्वर ताती के रूप में हुई है। उसके परिवार को सूचना देने के बाद परिवार के सदस्य भी थाना पहुंचे, जिसके द्वारा बताया गया मुनीश्वर तांती वर्ष 2014 तक देवघर कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत थे और अवकाश प्राप्ति के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त की तरह करते थे, जिसका इलाज भी चल रहा था। 3 दिन पूर्व वे घर से निकल गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो जसीडीह थाना में आवेदन देकर गुमसुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। परिवार के लोगों को इसकी पहचान होने के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार द्वारा लाश को कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष के अनुसार तात्कालीन ड्यूटी केस दर्ज कर लिया गया है और जसीडीह थाना में संपर्क कर इस तरह की बिंदु पर जांच की जा रही है। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य मार्ग पर कुमारपुर कॉलेज के समीप शंभुगंज की ओर से तेज गति से जा रहे बोलेरो ने गांव के एक बच्चे को कुचल दिया, जिसे 6 वर्षीय बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बच्चे का नाम आयुष कुमार व पिता का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आयुष अपने घर आगे खेल रहा था, तभी पूरब की ओर से तेज गति से आ रहे वाहन ने अनियंत्रित होकर बच्चे को कुचल दिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीण वाहन जब्त करने एवं चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा एवं थानाध्यक्ष अफ्तर अली ग्रामीणों को समझाया बुझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। हालांकि एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव की पहल पर ग्रामीणों ने जाम तोड़ दिया। जाम टूटने के साथ ही एसडीपीओ के नेतृत्व में शंभुगंज पुलिस के सहयोग से मृतक बच्चे ठोकर मारकर भागने में सफल वाहन को कस्बा गांव से जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि चालक फरार हो चुका था। इधर मृतक की मां सविता देवी, भाई आदित्य कुमार एवं दोनों बहनों जूही एवं सोनाली का रो रो कर बुरा हाल है। अमरपुर शहर को सौंदर्यीकरण बनाने की दिशा में अधिकारियों के द्वारा जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार के दिन बांका एमडीएम मनोज कुमार चौधरी, बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा, वीडियो राकेश कुमार एवं थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय पुलिस बलों के साथ शहर के बस स्टैंड पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। इस दौरान बस स्टैंड पर स्थित होटल मालिक शंकर शाह प्रहलाद शाह को होटल खाली करने का सख्त निर्देश दिया। हालांकि होटल मालिक शंकर शाह ने जमीन की बंदोबस्ती होने के बाद कहते हुए जमीन संबंधित कागजात दिखाया, जिस पर सीओ ने बताया कार्यकाल में बंदोबस्ती का रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। अगर बंदोबस्ती सही है तो बंदोबस्ती रद्द करते हुए 1 दिसंबर जमीन नगर पंचायत के बाहर बंदोबस्ती कर दिया जाएगा। हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराना होगा ताकि शहर का सौंदर्यीकरण किया जा सके। बस स्टैंड पर स्थित बजरंगबली मंदिर को भी हटाया जाएगा। मंदिर अन्य जगह निर्माण के लिए स्थल का चयन किया जाएगा। सीओ ने बताया कि बस स्टैंड पर गोलंबर का निर्माण किया जाएगा। अमरपुर थाना क्षेत्र के बहसागंज गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में 2 महिला, एक वृद्ध समेत 3 युवक जख्मी हो गए। जख्मी प्रथम पक्ष के डोमी यादव, इनके पुत्र राजू यादव एवं पुत्र वधु पूनम देवी, द्वितीय पक्ष के अजीत यादव, सुजीत यादव एवं सरिता देवी का प्राथमिक उपचार रेफर अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष के डोमी यादव ने बताया, पंचायती में मेरे गोतिया आने जाने के लिए 6 फीट रास्ता दिया गया था, जिस पर दोनों पक्षों का आना जाना होता था। सोमवार के दिन जबरन अजीत यादव दिए गए रास्ते में शौचालय की टंकी का निर्माण करने लगे। विरोध करने पर कुदाल से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी दूसरे पक्ष के अजीत यादव ने बताया, अपनी निजी जमीन पर टंकी निर्माण कर रहे थे, जिस पर जबरन डोमी यादव कार्य का विरोध करते हुए लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया, आवेदक के द्वारा किए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है।
बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 500 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। बांका हंसडिया मुख्य मार्ग पर छापेमारी के दौरान एक ट्रक से शराब बरामद किया गया है, जबकि उत्पाद विभाग की टीम को देखकर चालक फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया, बौसी थाना क्षेत्र अंतर्गत भलजोर चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान हंसडिया की तरफ से आ रहे ट्रक का चालक उत्पाद विभाग को टीम को देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन वह जंगलों में घुस गया। इसके बाद ट्रक में रखे गिट्टी के नीचे से बरामद की गई है बरामद शराब की अनुमानित कीमत 70 लाख से अधिक है। अरुण कुमार मिश्रा ने बताया, जब्त ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है, वहीं चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उत्पाद अधिनियम के तहत फरार ट्रक चालक और वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी को लेकर बड़े पैमाने पर शराब की खेप पकड़ी जा रही है। विधायक राम नारायण मंडल ने एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला खनन विभाग कार्यालय की ओर से एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस को जिले वासियों की सेवा के लिए प्रदान किया गया। एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस को पूर्व मंत्री सह विधायक राम नारायण मंडल ने, डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता, खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान, सीएस डॉक्टर सुधीर महतो सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर सदर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस से मिली सहूलियत, पूर्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल ने कहा, बांका के मरीजों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी। इससे पहले गंभीर रूप से बीमार लोगों को साधारण एम्बुलेंस से ही बाहर भेजा जाता था, जिससे गंभीर रूप से बीमार को काफी परेशानी होती थी। सदर अस्पताल को एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस मुहैया करा देने के बाद लोगों की शिकायतें कम हो जाएगी, क्योंकि इस एम्बुलेंस में सारी आधुनिक मशीन लगी है, जो लोगों को जीवन बचाने में कारगर साबित होगा। ये एम्बुलेंस डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ईसीजी, अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरणों से लैस है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गहन चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। बांका जिले के बौसी महाराणा के बीच अर्धनिर्मित मकान के पीछे करीब 35 वर्षीय युवक की लाश मिली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही छानबीन आरंभ कर दी है। हालांकि अब तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सबको देखने से प्रेरित होता है उसकी हत्या कहीं और कर सबको यहां फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।